हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लेस वैल्यू. व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या होता है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्लेस हर नंबर की एक वैल्यू होती है. ओके, सो लेट्स सी विद सम एग्जांपल्स. सो हियर वी हैव टेकन अ नंबर दैट इज 25. इन द न्यूमरल 25, 2 एंड 5 आर कॉल्ड डिजिट्स. 2 और 5 क्या है? डिजिट्स हैं. ओके, सो दिस 2 एंड दिस 5, दीज आर डिजिट्स. ओके, according to the abacus, this is on ones place, 5 is on ones place and 2 is on tens place. Okay, now 5 stands for 5 ones. Okay, ones place pe, so 5 ones, and 2 stands for 2 tens. Okay, so 2 ki value kya hoti hai? 2 tens. Now ones means yahan par iski value kya hoti hai? Ones means what? Number 1. Okay, ones ka matlab 1. Tens means 10. Okay, the place value of 5 is equal to face value into its place. Okay, face value किसी भी number की face value वो ही number होता है. So 5 की face value 5 ही होगी. Into means multiply and its place. So 5 की place क्या है यहाँ पर? 5 की place ones है ना? Its place ones. So 5 into ones and that is equal to face value is 5 into its place is ones. Okay. 5 into ones की जगह क्या वैल्यू आएगी? 1. ओके, यही मैंने आपको बताया, ones की वैल्यू होती है 1 एंड tens प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 10. ओके, सो 5 into 1 means 5 ones are 5. ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5. नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू इट्स प्लेस. 2 की प्लेस वैल्यू है 2 और उसकी प्लेस कौन सी है? tens. सो 2 into tens दैट इज इक्वल टू 2 into 10, okay? So it is 20. Clear? अगर tens की place पे है number, तो वो 20 हो गया, okay? ये आपको समझ में आने कैसे 2 की place value 20 हो गई? Now the next topic is representing one digit numbers, okay? Consider the number 5, so the number is 5 and it is called a digit, okay? One digit number में सिर्फ, जैसे यहाँ पर ये 5 है, ये 25 हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल लिया था, सो इट वाज टू डिजिट नंबर्स एंड दिस इज वन डिजिट नंबर एंड इट स्टैंड्स फॉर 5 वंस. अबेकस में आपने शो करना सीखा है ना, जो तो फर्स्ट वन डिजिट नंबर होता है, जो स्टार्टिंग का नंबर होता है, वो वंस की प्लेस वैल्यू को शो करता है. ओके, नाउ आफ्टर दैट रिप्रेजेंटिंग टू डिजिट नंबर्स. ओके, अब आपको टू डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. सो हियर वी हैव एग्जांपल दैट इज नंबर 46. Now 6 is on ones place, so it is 6 ones, okay? And 4 stands for 4 tens, okay? It is on tens place, so it is 4 tens, okay? Now 46 is equal to 4 tens and 6 ones, okay? So it is 4 tens plus 6 ones. That is, tens ki value kya hoti hai? 10 hoti hai na? So 4 into 10, that is 40. And 6 ones, that is 6 into 1. 6 ones are 6. So 40 plus 6 is 46. ओके, क्लियर? ये किस तरह से प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं और उसके बाद में ये नंबर्स फॉर्म होते हैं. ओके, ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यूज. सो दिस वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 60. ओके, दिस इज अ नंबर 60 और वहां पर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? सो दिस वन क्वेश्चन इज डन फॉर यू. दिस इज 60. अब यहाँ पर 6 किस प्लेस पे है? टेंस पे है ना? टेंस पे है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 93? 93 में 3 किस प्लेस पे है? वंस पे है. वंस प्लेस पे है, यानी कि सिर्फ 3 ही इसकी वैल्यू होगी. एंड दिस वन, दिस इज 3, दिस इज 30 एंड दिस वन इज 9. सो योर आंसर विल बी 3, क्योंकि यहाँ पर 3 वंस प्लेस पे है. सो ये आपको जब भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना होगा ना, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये स्टार्टिंग का नंबर अगर 1 नंबर है वंस प्लेस पे, तो आपको वही नंबर लिखना है. जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 60 दिया, बेसिकली आपको 0 ही लगाना होता है क्योंकि 10 प्लेस होती है, तो 10 में 10 लगता है, तो 6 इंटू 10 60 हो जाएगा. यहाँ पर 60 नंबर था तो 60 आ गया. ओके, तो कन्फ्यूजन के लिए नहीं कि 6 में 6 की प्लेस वैल्यू 60 में 60 कैसे हो गई, ये यहाँ पर लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ओके, आपको फिर क्लियर होगा. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 29?
अच्छा यहाँ पर 2 की 29 में क्या प्लेस वैल्यू, वंस है या टेंस है? ये फर्स्ट वाला नंबर वंस होता है, सेकंड वाला टेंस, सो इट इज टेंस। टूज वंस और टेंस, दिस वन इज टेंस, TENS, टेंस। ओके, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर नंबर फॉर्म में होनी लिखनी होती तो क्या लिखते हम लोग, 20, 2020। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू पूछी है, प्लेस का नेम पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी है, बट अगर वैल्यू पूछते तो ये 20 हो जाता है। ओके, देखा आपने, यहाँ पर जब टेंस के प्लेस पे होगा तो उस नंबर के साथ आपको जीरो पुट कर देना, क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए हम उस नंबर के बाद में जीरो लगा देते हैं। ओके, वॉट इज द प्लेस ऑफ जीरो इन 90? 90 में जीरो की प्लेस क्या है? ओके, सो जीरो किस प्लेस पे है यहाँ पर, दैट इज ऑन वंस। सो आपको जीरो में टिक नहीं करना है, वंस कहाँ पर है, दिस इज ओ एन ई एस, दिस इज वंस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द बॉक्सेस। ओके, आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। इन दिस कॉलम वी हैव न्यूमरल, न्यूमरल मीन्स नंबर्स, हमारे पास नंबर्स हैं और वो अंडरलाइंड है। ओके, नंबर्स में डिजिट्स हैं जो अंडरलाइंड है। देन इन द सेकेंड कॉलम प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द न्यूमरल, आपको उस नंबर की जो भी नंबर में डिजिट अंडरलाइंड है उसकी यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखनी है कि वो किस प्लेस पे है। और इस कॉलम में द लास्ट कॉलम यू विल राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, और यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। ओके, सो इन द फर्स्ट नंबर हेयर वी हैव 38, 38 में 8 अंडरलाइंड है और 8 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। ओके, सो इट इज वंस प्लेस, यहाँ पर हम लिखेंगे वन। ओके, वन लिखेंगे एंड एट में हम लोग, क्योंकि क्या था, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, 8 × 1 एंड इट इज 8। ओके, ठीक है, देन 36, 3 किस प्लेस पे है, 3 अंडरलाइंड है ना, तो 3 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, सो इट इज टेंस प्लेस, और टेंस की वैल्यू होती है 10। ओके, 3 यहाँ पर नंबर है ना, यहाँ पर 3 नंबर है और टेंस की प्लेस की वैल्यू होती है 10, सो 3 × 10 दैट इज 3 × 10 या और 3030, सो ये आपकी नंबर की प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट नंबर इज 62, और 62 में अंडरलाइन कौन सा नंबर है, दैट इज 2, 2 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, सो वी विल राइट ओ एन ई एस वंस। ओके, नाउ विच प्लेस, टेंस और वंस, सो इट इज वंस प्लेस, सो वी विल राइट 1। ओके, एंड नाउ 2 × 1, सो 2 × 1 = 2। ओके, देन दिस इज 58, यहाँ पर 5 अंडरलाइंड है, 5 इज ऑन विच प्लेस, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज टेंस, 5 इज ऑन टेंस प्लेस, TENS, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस की वैल्यू होती है 10। नाउ दिस नंबर इज 5, सो 5 × 10 एंड 5 × 10 = 50। ओके, सिंपली 5 में 0 ऐड हो गया ना, जो मैंने आपको भी बताया था ऊपर। ओके, सो इट इज 5 × 10 = 50। ओके, नाउ देन 39, 9 इज अंडरलाइंड, सो 9 इज ऑन विच प्लेस, वंस प्लेस, ओ एन ई एस, वंस प्लेस, वंस प्लेस की वैल्यू होती है 1 एंड हियर वी हैव 9, सो 9 × 1 एंड इट इज 9 × 1 = 9। ओके, नाउ दिस इज 23, 2 इज अंडरलाइंड एंड ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। ओके, TENS, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे, सो टेंस प्लेस की वैल्यू होती है 10। नाउ द नंबर इज 2 × 10, 2 × 10 = 20। ओके, दिस इज 69, 6 है टेंस प्लेस पे, सो विल राइट TENS, टेंस, एंड टेंस की वैल्यू होती है 10, दिस इज 6, 6 × 10, इट इज इक्वल टू 60। ओके, नाउ दिस इज 18, 8 है वंस प्लेस पे, सो विल राइट ओ एन ई एस, वंस, वंस की वैल्यू है 1 एंड द नंबर इज 8, सो 8 × 1 एंड 8 × 1 = 8। ओके, 8 वंस आर 8, सो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके,